नहीं प्राप्त होती है, चाहे छोटे स्तर की हो या बड़े स्तर की हो। एक किसान फसल उगाता है उसके लिए भी 3 महीने औसत, चाहे गेहूं की फसल हो चाहे धान की फसल हो। हम लोगों ने जो 70 दिन से मेहनत की है, ये 70 दिन की 22,000 की फसल अब अंकुरित हो चुकी है, विकसित हो चुकी है और उस अवस्था में है अब जो कि पकने की कगार पर है। और साथियों, हमारे जो मंत्री जी एक यहाँ पे वक्तव्य दे गए हैं, तो उस वक्तव्य के आप लोग जरा की भी परवाह न करें। मंत्री जी अगर इतने काबिल होते तो कैबिनेट मंत्री होते, राज्य मंत्री नहीं होते। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मंत्री जी जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा हुआ है। इस चीज के साक्षी आप भी हैं और मैं भी रहा हूँ। मंत्री जी ने कहा कि संशोधन नहीं होगा, संशोधन हुआ। मंत्री जी ने कहा कि दिव्यांग भाइयों की सीटें नहीं जुड़ेंगी, जुड़ी। मंत्री जी ने, आप जो जितने साथी जानते होंगे, बहुत पहले जब थर्ड काउंसिल की बात हुई थी, मंत्री जी ने जब मना किया था, उसके अगले दिन एक चंद्रमणि त्रिपाठी जी का ट्वीट आया था। उस ट्वीट पर मैंने जवाब दिया था और एक ऑडियो भी मेरा वायरल हुआ था और थर्ड काउंसलिंग हुई। इस संदर्भ में, इस भर्ती के संदर्भ में 22,000 का कार्य भी चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, इसलिए आज हम कमजोर। जिस दिन ये संख्या 5,000 के ऊपर होगी उस दिन जियो जारी है। साथियों, अभी हमारे बहुत साथी घर से नहीं निकले हैं। हमारी कुछ कमियां हैं कि हम लोग 2 वर्गों में विभाजित हो गए हैं। हमारे कुछ ओबीसी के भाई दूसरी जगह धरना दे रहे हैं। आपको देखने का नजरिया चाहिए, किसी को पानी में दिखता है, किसी को चश्मे में दिखता है। हम कह रहे हैं कि हमारे भाई वो मेहनत कर रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं से इस भर्ती से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिंक जरूर है, क्योंकि सरकार कह रही कि 69,000 भर्ती पूर्ण हो चुकी है, आगे पद नहीं जुड़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। तो भैया 6,000 पद, जैसा कि हमारा पिछड़ा आयोग कह रहा है, 5,800 कुछ करके सीटें, वो कहाँ से दी जाएंगी? आएंगी तो इसी में थे। और ये संभव नहीं है कि एक लोग को, आपके 2 बेटे हों और एक बेटे को 100% प्रॉपर्टी दे दें, दूसरे को बिल्कुल। आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को टॉफी दे दें, दूसरे बच्चे को टॉफी ना दें, एक बच्चे को झूला झुलवाएं, दूसरे बच्चे को ना झुलवाएं। तो जो हमारे बंधु वहाँ मेहनत कर रहे हैं उनको भी मेरा साधुवाद, कुछ बड़े भाई हैं उनको धन्यवाद नमन, हमारी जो बहनें वहाँ मेहनत कर रही हैं उनको भी शुभकामनाएं, और हमारे जो साथी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं इनको भी शुभकामनाएं। आप उनको अपना कार्य करने दीजिएगा, अपना कार्य आप करते रहें। और मैं एक बात इतने कहूँगा कि अंतिम निर्णय, अंतिम पदों का जो जोड़ होगा, वितरण होगा, वो 22,000 से ही होगा। और कोई मंत्री जी के पास मैजिकल बैंड नहीं है जो बजा दिया, चुरमुर कर दिया और सीटें बढ़ गई। तो सभी साथी, सभी बंधु, इतने दिनों से बगैर किसी डिस्प्यूट के, बगैर कोई मतभेद के जो अब तक रहे हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन लग सकते हैं, अधिकतम सीमा है ये। उसके बाद एक बार, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री अटल जी कहा करते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और हमारे सबके जीवन का कमल खिलेगा, यानी हम सब लोग पल्लवित होंगे, हम सभी के चेहरे पर मुस्कान आएगी, जियो जारी होगा, काउंसलिंग होगी, हम लोग शिक्षक बनेंगे, अपने घरों में क्षेत्र में जा करके ज्ञान की गंगा पढ़ाएंगे, देश के नौनिहालों को योग्य नागरिक बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
क्या चाहिए? नमस्कार, मैं विकास गुप्ता इटावा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो भी भाई बहन घर पे बैठे हुए हैं, जो भी भाई बहन घर पे बैठे हैं, वो कान खोल के सुन लें कि घर से बैठ के कोई सीटें नहीं जुटती हैं। यहाँ हमारे भाई लोग 70 दिन से लगातार लगे हुए हैं और जब तक लगे रहेंगे, जब तक हमारी जो 22,000 सीटें हैं, 1,37,000 में जो भी पद बचे हुए, एक एक पद भरवा के हम सभी को नियुक्ति दिलवाएंगे। और मेरा विश्वास है कि हम जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि ईश्वर भी जानता है जो जितनी मेहनत करता है उसको जरूर फल मिलता है। इसलिए हमें एकजुट होकर एक मंच के नीचे, जहां भी हमारे जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं, हमारे जो हमारे टीम के लीगल टीम के भाई बहन हैं, जो जहां रुकेंगे वहीं सब रुकेंगे और एक मंच पे आके अपनी कामयाबी को सुनिश्चित करेंगे। सरकार तो ये चाहती है कि ये आपस में लड़े और रोजाना इनको विखंडन हो। मैं ये जानता हूँ कि शिक्षा मंत्री ये बार बार भाषण देते हैं, कहीं विधानसभा में, कहीं एक कमरे में बैठ के, और कहीं आके ये SERD पर, जिससे लोगों का मनोबल चूके और ये भाग जाएं। लेकिन हमने सौगंध खा ली है कि हमारा हक, हमने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, 110, 115 और 120 तक नंबर हमारे बैठे हैं। हम क्यों जाएं घर पे? हमें अधिकार चाहिए और हमारा हक है और हम हक लेके रहेंगे। इसलिए जो भी भाई बहन घर पे हैं, वो अपना, अगर उनके अंदर इंसानियत है तो वो वहाँ पे अपना हक ले। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन 10,000 से 15,000 की भीड़ इस जगह हो जाएगी, उस दिन एक हफ्ता नहीं 5 दिन के अंदर 22,000 चीज जुट जाएंगी। शासन भी चाहता है कि इनका संख्या बल क्या है, लेकिन आप लोगों को कान में जूनी रेंग रही है जो घर पे बैठे हुए हैं। आज हमारे भाई बहन 70 दिन से लड़ रहे हैं और मेरा मानना है कि जब तक 22,000 सीट नहीं जुड़ेंगी, चाहे चुनाव का एक दिन क्यों ना रह जाए, तब तक लड़ते रहेंगे, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, जुए का दिल में है। इसलिए मैं सभी यूपी के 75 जिलों के भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि एक मंच पर आके इस 22,000 के लिए मुद्दे के लिए संघर्ष करें। सब जो भी विवाद चले हैं इस 69,000 भर्ती में, चाहे आरक्षण का हो, चाहे कॉमन अंक का हो, या और कोई भी जो भी विवाद हैं, उनका सिर्फ 22,000 ही हल है। और सरकार भी जानती है कि ये ना आरक्षण पे झुकेगी ना किसी और पे झुकेगी, वो सिर्फ झुकेगी तो 22,000 पे झुकेगी। इसलिए आके खोल लो प्रदेश के सभी भाई बहनों और यहाँ आके अपना हक मांगो आगे। और एक और निवेदन करता हूँ, जो भाई बहन घर पे बैठे हुए हैं, अगर वो घर पे बैठे थे तो रहेंगे, तो जिंदगी भर घर पे बैठे रहेंगे। और एक और निवेदन करता हूँ कि जो 75 जिलों के विधायक, सांसद और DM, उन सभी को ज्ञापन दोबारा दिया जाए, जिससे हमारा मुद्दा एक बार फिर मुख्यमंत्री के कानों पर दबाव बने। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी 75 जिलों के लोग अपनी टीम लेके विधायक, सांसद
और डीएम को और जिला बेसिक अधिकारी को दोबारा ज्ञापन पत्र दें, जिससे दोबारा सरकार पे दबाव बने और चुनावी साल है और 100% 1001% 22,000 सीट जुड़ेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।